हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन, जिसे खाते ही आप वाह वाह करते रहेंगे और बार बार इसे ही बनाने की फरमाइश करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो बैंगन और इसके जो ऊपर के इस तरह से कांटे वाले हिस्से रहते हैं उसे हम कट कर लेंगे और इसकी जो डंठल है उसे भी आधी कट कर लेंगे और आधी छोड़ देंगे। साथ ही साथ इसको चार टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि मसाला भरने में आसानी हो। ये रेसिपी बिल्कुल भी सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार है। तो सभी को इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब एक मसाला तैयार करते हैं, तो जिसमें सबसे पहले ले रही हूँ मैं एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। इसके बजाय आप पाउडर भी ले सकते हैं। डेढ़ चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चौथाई चम्मच लेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। मसाले में नमी आ जाए इसके लिए हम ऐड करेंगे एक चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से इसका जो स्वाद है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आप आधी छोटी चम्मच नमक भी ऐड कर लेना। नमक वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब एक एक बैंगन को हम लेंगे और इसके जो कट्स है इसको ओपन करेंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें भरते जाएंगे। तो जितना भी मसाला इसमें आ जाए उतना हम भरेंगे और जो एक्स्ट्रा रहे उसे हमें निकाल लेना है इस तरह से दबाकर। ओवरलोड नहीं करना है, बस जो एक्स्ट्रा रहे उसे निकाल कर साइड में एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ पर मसाला नहीं भरा है उसे भी भर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सभी बैंगन को मसाले से भर लिया है। अब चलते हैं इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने दो चम्मच तेल को गर्म कर लिया है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। तेल को अच्छा गर्म होने के बाद एक एक बैंगन इसमें ऐड कर लेंगे। तेल में फ्राई करने के बाद इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और एनहेंस हो जाता है। तो इस तरह से ऐड कर लेंगे और इसे अलट पलट करते हुए सभी तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें पलट लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ गया है इसका एक साइड में। तो दूसरी साइड को भी इसे हम अच्छी तरीके से पलट के फ्राई कर लेंगे। अलट पलट करते हुए मैंने इन बैंगनों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए हैं, बस इन्हें अब हम निकाल लेंगे और अब चलते हैं इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल ऐड कर लिया है। तेल गर्म होते ही आधा चम्मच इसमें ऐड कर लेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को कड़का लेंगे और फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ऐड कर लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। मिला लेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा, तब हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मिला लेंगे, एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, मिला लेंगे। हल्दी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दो टमाटर, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप इसे पीस भी सकते हैं। मिक्स कर लेना है और टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए ऐड कर लेंगे आधा चम्मच नमक। साथ ही साथ कलर के लिए ऐड कर लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे। तो जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसमें हम ऐड कर लेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। होममेड गरम मसाला मैंने ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे। मसाला और टमाटर अच्छी तरीके से कुक हो जाए इसके लिए हम इसे ढककर दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे। दो से तीन मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, मसाले वगैरह हमारे अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो देख सकते हैं बस मिला लेना है। उसके बाद ऐड कर लेंगे फ्राई किए हुए बैंगन। बैंगन को हम इस तरह से वन बाय वन ऐड करेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, बस ये टमाटर की ग्रेवी में ही पक के तैयार हो जाता है। हाफ डन हमारा बैंगन पहले से ही हुआ है और अब हम इसे और कुक कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो सारे बैंगन को मैंने ऐड कर लिया है, बस इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है मसालों के अंदर ताकि इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए ढककर स्लो आंच पे पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। बैंगन है और मसाले हैं अच्छी तरीके से पक जाए। तो 7 से 8 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं बैंगन बिल्कुल भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो बस एक बार हम इसे पलट लेंगे इस तरह से।
और फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे और इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और 5-6 मिनट के बाद सर्व करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा भरवा बैंगन बनकर तैयार हो गया है घर के बेसिक मसालों से ही। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट।